हेलो सतवीर जी मैं बस आ ही रही हूँ एक बार ना फिर स्टार्ट करते हैं मैं दरअसल कर रही थी रिफिल पेन्स में ना बिकॉज़ मार्कर में भी रिफिल करना जरूरी है मेरी तरफ से सभी का वेलकम है और ब्राइटनेस बढ़ा दी जाए अब ठीक है मृदुला जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हेलो हरप्रीत कौर जी ठीक है तो आपने बोर्ड पर देख लिया होगा मेरी तरफ से सभी का वेलकम है जो नए हैं उनका भी और जो पुराने हैं उनका भी खुशवंत सिंह साहब को करेंगे आज और कोशिश यही है जैसे कल की क्लास हुई थी लिंक मॉर्निंग तक मैंने कुछ वर्क के जो भी डिस्क्रिप्शन था लिंक था वो रात को कुछ हद तक सेंड कर दिया था दो चीजें मैंने आज चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर की हैं जो लोग वहाँ पर नहीं है पता नहीं कुछ लोगों को ना गाड़ी निकालते हैं तो सब्र नहीं होता नॉन स्टॉप हॉर्न बजाते जाएंगे तो और बाकी जो दो लिंक रह गए थे वर्क के वो मैंने आज मॉर्निंग जब मैं स्कूल के रास्ते में जा रही थी तब मैंने शेयर कर दिए तो जिन लोगों को नहीं पता इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है आप चाहे तो वहां से जुड़ सकते हैं आज आप में से कोई भी डिस्कशन ग्रुप पर लिंक नहीं भेज पाएगा क्योंकि मैंने उसकी सेटिंग शायद ऑफ कर दी है ठीक है तो आज ये करेंगे और जो वर्क रह जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगी जो रह जाएंगे उनको मैं कहाँ से पढ़ना है वो भी बता दूंगी क्योंकि एक क्लास में पॉसिबल नहीं होता सब कुछ कवर करना ठीक है मैं अब कोशिश यही कर रही हूँ कि जो लिंग्विस्टिक के टॉपिक्स रह गए हैं हमको जल्द से जल्द कवर करें बाकी चीज़ें हमने कर ली हैं बेन जॉनसन और ड्राइडन को छोड़कर ठीक है तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि फिर हमारा इसमें से एटलीस्ट कुछ रह जाएगा ठीक है इंडियन राइटर्स भी हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं सिर्फ ये टॉपिक रहता है ठीक है तो आई होप कि आपको सत तो श्रीकाल परमजीत जी मेरी तरफ से सभी को तो स्टार्ट करते हैं इनको 1915 से लेकर 2014 अगर एक साल और रह जाते तो पूरा का पूरा 100 ईयर्स का इनका जो स्पैन है लाइफ का वो कंप्लीट हो जाता बट इसके बावजूद भी मतलब 99 इयर्स ईयर्स इन्होंने सर्वाइव किया और बहुत अच्छा ग्लोरीफाइड एक जिसे कहते हैं ना राइटिंग टाइम पीरियड जो लिटररी फेज इनका रहा पॉलिटिकल भी रहा और जर्नलिस्ट भी थे बहुत नामी गिरामी चीज़ों के साथ लोगों के साथ इंस्टीट्यूट्स के साथ इन्होंने काम किया और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया तो कर लेते हैं आज इनके बारे में जानते हैं थोड़ा और हदाली जो कि एक पंजाब की एक जगह थी ठीक है क्योंकि बिफोर पार्टीशन ये बॉर्न हुए थे तो आज ये क्या है आज ये जगह पाकिस्तान में है अगर आप जोग्राफ़ी को ट्रेस करें तो पाकिस्तान का ये जो ये वर्ल पाकिस्तान और राजस्थान बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है हमारे इंडिया का तो बिफोर पार्टीशन ऐसी चीज़ें या ऐसी जो डिविजन लाइन्स हैं जो बाउंड्री लाइन्स हैं वो नहीं हुआ करती थी तो ये इनका बर्थ प्लेस है और इससे भी इनका आज तक मतलब जब तक ये इस दुनिया में थे बहुत ज़्यादा रिलेशन रहा है ठीक है ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो अंतिम इच्छा थी कि इनकी जो बॉडी को फ्यूनरल राइट्स जो परफॉर्म किए जाएं एक सेकंड रुको क्या कह रहे हैं ये हाँ जी सुखदीप जी बफरिंग का ऑप्शन आ रहा है देखो नेट बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है लेकिन क्या है कि ये सिस्टम क्या है ज़्यादा लेता है अब नौ बजे तक सब लोग घर आ जाते हैं मैं चाहूँ तो क्लास छः बजे भी ले सकती हूँ लेकिन मेरे पर टाइम नहीं होता ठीक है चार बजे तक तो मैं खुद ही घर आती हूँ उसके बाद थोड़ा आधा घंटा अगर रेस्ट भी करूँगी आधा पौन घंटा तो क्योंकि कोरोना में तो वही है ना सैनिटाइज़र करो बिल्कुल ही भाग जाओ लोगों से दूर ड्रेस वगैरह चेंज करो पाँच साढ़े तो कब बज जाता है मुझे नहीं पता चलता ठीक है मेरे पास सिर्फ यही टाइम रहता है नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने का नौ बजे ही मिल लेगा तो अगर बफर करती है ना तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती बीच में जब हम ग्यारह या बारह बजे की क्लास में मिलते थे तो बफरिंग नहीं होती थी सब लोग ऑफिस में हैं ऑफिस के नेट चल रहे होते थे लेकिन इस टाइम सब घर में होते हैं ठीक है तो पंजाब में है अब दूसरी चीज हम देख लेते हैं कि क्या क्या ये थे ये थे नॉवेलिस्ट जब आप इनको सर्च करेंगे तो ऑथर लिखा रहता है तो वो यही चीज है नॉवेलिस्ट जर्नलिस्ट डिप्लोमैट इस वर्ड का मतलब वैसे तो पता ही होगा लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर दूंगी ठीक है एडिटर फाउंडर और क्या थे ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्ट बायोग्राफर वो पर्सन जो किसी ना किसी की बायोग्राफिकल रेफरेंस चाहे लिखता होगा पॉलिटिशियन ठीक है तो इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है नॉवलिस्ट यानी कि इंडियन ऑथर बाकी के फील्ड्स में इन्होंने काम किया है और जो चीज़ है वो है डिप्लोमैट डिप्लोमैट वो पर्सन होता है जिसे कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन देख कर कैपेबिलिटी देखकर एफिशियंसी गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है या बुलाती है कि आप हमारे लिए काम करो ठीक है तो वो पर्सन डिप्लोमैट कहलाता है ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर रह गया था तो ये इनकी कुछ अलग अलग फील्ड है जिनके बारे में वैसे तो अगर चूज किया जाए तो सबसे ज्यादा इनको इंडियन ऑथर ही कहा जाता है पोइट भी थे वैसे ही ठीक है तो नॉवलिस्ट आंसर आएगा अगर कभी आ गया तो क्योंकि बहुत बार ये होता है कि वो पूछता है कि भाई कौन सा राइटर किस चीज के लिए फेमस है तो ये थोड़ा सा आप चीज बहुत ही एक रिच हेरिटेज कल्चर से मतलब ये होता है ना कि एक वो कल्चर भी होता है जिसका फैमिली बैकग्राउंड इंक्लूड किया जाता है तो ब्रिटिश टाइम पर इनके जो फादर थे मेरे को नाम अब मुझे पता नहीं कहीं मैं गलत ना प्रनाउंस कर दूँ वो तो है भी नहीं इस दुनिया में सर वैसे मुझे लगता है ये शोभ सिंह होगा ठीक है अब इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा है अगर आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी हो वैसे तो पढ़ी ही होगी प्री इंडिपेंडेंस एरा की कि जब बनाया गया था क्योंकि क्या है देश की कैपिटल दिल्ली है तो पार्लियामेंट हो गया ठीक है राष्ट्रपति भवन हो गया तो इंडिया गेट हो गया तो इस तरीके के जो कल्चरल बिल्डिंग्स हैं जिनको आज हम एज एन हेरिटेज यूज़ करते हैं एज अ पोलिटिकल मतलब स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो ये उसमें बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड पर्सन थे वो इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि ये ब्रिटिश राज में एक फेमस प्रोमिनियंट बिल्डर थे जो कि एडवर्ड लुटियंस के अंडर काम किया करते थे अब ये जो हैं ये तो ब्रिटिश राज के वो एक आर्किटेक्ट हैं जो उन्होंने कि दिल्ली का जो नक्शा है उसको पास किया था ठीक है तो अब आप देखो कि अगर ब्रिटिश राज में इनके फादर कंट्रीब्यूट कर रहे थे तो क्या उनका नाम होगा ठीक है चाइल्डहुड उसमें पहले इनकी स्कूलिंग की बात कर लेते हैं स्कूलिंग इनकी लाहौर से हुई है दिल्ली से हुई है ठीक है और सेंट स्टीफन कॉलेज जो कि हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ही आता है वहाँ से भी हुई है फिर पढ़ने के लिए लंदन भी गए तो लंदन से में इन्होंने एल एल बी की जो कि बैचलर्स ऑफ लॉ की एक मतलब लॉ की डिग्री है तो लॉयर थे ठीक है अब एक जो चीज आपको विकीपीडिया पे भी मिल जाएगी वो है इनका पेट नेम ठीक है शैली ऐसा करके कुछ इनका नाम था प्यार में बुलाया जाता था ठीक है लेकिन वो क्या हुआ कि जब ये स्कूल में गए ना तो उसको उस नाम की वजह से मतलब लोग इनको टीज करते थे वो होता है ना बच्चों की आदत होती है हाँ जी सुखदीप जी ट्रांसलेट इन्होंने बहुत सारे वर्क किए हैं ठीक है ठीके? बहुत सारे इन्होंने टेक्नोलॉजिकल चीज़ों के साथ भी मतलब एआईआर ऑल इंडिया रेडियो जो था उसके साथ भी काम किया है तो वहाँ पे भी ट्रांसलेशन इन्होंने किया है तो बहुत सारे लोग इनको चिढ़ाते थे पहले तो यही नाम हो गया शैली ठीक है लोग इनको मूली कहा करते थे तो शूली ये मैं क्यों डिस्कस कर रही हूं क्योंकि ये है कि कई बार जब हम ऐसी चीजों को विकीपीडिया पे पढ़ते हैं ना तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये ये चीज ये नहीं पूछेगा बट आपको नहीं पता ना कि वो पूछ ले कि भाई ऐसा जो नेम था वो किसका था ठीक है दूसरा है बाघ दी मूली अब ये क्या है एक तरीके से बच्चे इनको चिड़ाया करते थे जो कि अच्छी बात तो नहीं है बट जो इन्होंने क्रिटिसिज्म फेस किया कहीं ना कहीं बाद में इन्होंने इसके बारे में लिखा भी है तो यह चीज आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट चीज जो इनके बारे में है वो है इनका नाम आपने अगर एन सी की किताब पढ़ी हो या 11th क्लास की इंग्लिश अगर आप पढ़ाते हो तो जो चैप्टर वन है ना द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इन्हीं का एक वर्क है मतलब कलेक्शन है स्टोरीज उसमें इन्होंने अपने ग्रैंड मदर के बारे में बहुत अच्छा अच्छा लिखा है एनसीआर की हॉर्नबिल की किताब में चैप्टर वन ही है तो एक जो इन्फ्लुएंस है ना इनकी लाइफ में वो बहुत हद तक ग्रैंड मदर की भी रही है बिकॉज ग्रैंड मदर के अपने बहुत ज्यादा क्लोज थे और रीजन क्या था पहला रीजन यही था कि ग्रैंड मदर ने इनका जो बर्थ का नाम था ना वो दिया था खुशहाल सिंह खुश हैप्पी पर्सन ठीक है तो खुशहाल वही चीज तो ये नाम इनको दिया गया था अब क्या हुआ कि खुशहाल सिंह जो नाम रखा गया था वो देते 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 चेंज होते होते मॉडिफिकेशन होते होते वो खुशवंत में बदल गया ठीक है तो हो सकता है कि पूछ ले कि भाई किसने दिया था ठीक है 1939 के अराउंड एज अ लॉयर मतलब प्रैक्टिशनर जिसको कहते हैं ना कि लॉ की प्रैक्टिस के लिए ये लंदन चले गए थे और उससे पहले मतलब कहा जाता है कि इन्होंने लाहौर में जब इनको डिग्री मिली ठीक है डिग्री तो ये है ना कि ये बाहर भी आप देखोगे तो इनके पास बहुत सारे डॉक्टरेट की भी डिग्री थी मास्टर डिग्री भी थी तो वो बहुत लर्नेड पर्सन ही अपनी लाइफ में रहे हैं तो पहले बाहर गए फिर जब वापस आए कुछ टाइम के बाद छः या सात महीनों के बाद जब ये वापस आए तो इन्होंने यहाँ पे लाहौर कोर्ट में आठ साल प्रैक्टिस की एज अ लॉयर और ये बात आपको थोड़ा अंदाजा होगा कि जो लॉयर्स हैं वो पांच साल अलग कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं देन दस साल अलग करते हैं फिर कहीं जाके उनकी जो प्रैक्टिस होती है देन वो उनको प्रमोशन मिलता है फिर फर्दर प्रैक्टिस चलती रहती है तो इनकी तो होल लाइफ एक तरीके से डॉक्टर्स की और लॉयर्स की तो प्रैक्टिस ही चलती रहती है नाइनटीन में जब इंडिया आज़ाद हुआ ठीक है यहाँ से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस इनका एज एन एडिटर बन जाएगा ये दिखने लग जाएगा वैसे ये सारी चीज़ें ना लिखी हुई हैं तो इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है लेकिन रीज़न क्या है कि कई बार जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास ना तो इतना टाइम होता है कि हम वर्ड टू वर्ड कनेक्ट कर सके ठीक है इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता चुकी हूँ अकेडमिया हो डॉट कॉम या फिर ब्रिटैनिका डॉट कॉम और विकीपीडिया क्यों लोगों को मुश्किल लगता है सबसे पहली साइट वो विकीपीडिया ही खोल के देता है क्योंकि विकीपीडिया पे जितनी भी साइट्स की इन्फॉर्मेशन होती है कुछ कुछ वहाँ से उठा लिया जाता है लेकिन हर चीज़ विकीपीडिया पे सही हो इसका भी कुछ श्योरिटी नहीं है रीज़न ये होता है कि तो उसमें एक एडिट का ऑप्शन आता है तो अगर आप उसको एडिट को क्लिक करेंगे वो पेन बना आता है अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो बाय द टाइम आप उसको ऑब्जर्व करिएगा कभी कि ई मेल से आप साइन इन कर सकते हैं जिस लोकेशन से आप करेंगे जिस आईडी से करेंगे वो तो खैर ट्रेस हो जाती है बट वो एडिटेबल सोर्स माना जाता है ठीक है तो ब्रिटैनिका में ऐसा कुछ भी नहीं होता तो आप रेफर कर सकते हो ये मैं बहुत बार बता चुकी हूं जब 1947 में देश आजाद हुआ तो उस टाइम इंडियन फॉरन सर्विस अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि फॉरन सर्विस आप इनको जब पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलग अलग देशों में इन्होंने काम किया है ठीक है और आज भी इनके जो बेटे हैं ना राहुल सिंह वो अपनी वाइफ के साथ बाहर ही रहते हैं ठीक है थीके? तो बहुत एक अच्छा फैमिली रेशियो इनका बाहर रहता है और जब आप जोग्रफी मतलब जोग्राफी इन द सेंस कि इनकी फैमिली का रिलेशनशिप स्केल पढ़ोगे ना तो आपको ये पता चलेगा जो रूट्स है दो एक्ट्रेसेस भी हैं एक हैं अमृता सिंह जो कि सैफ अली खान साहब की एक्स वाइफ हैं और एक और एक्ट्रेस हैं टीवी एक्ट्रेस हैं टिस्का चोपड़ा वो भी अक्सर मूवीज़ में दिख जाती है तो बहुत ही अलग अलग डायमेंशन की रूट्स ठीक है इनकी फैमिली से बिलोंग करती हैं तो आई सर्विस को ज्वाइन करने के बाद इन्होंने टोरंटो और कनाडा में अपना काम किया उसके बाद पब्लिक ऑफिसर के तौर पे ये दोबारा लंदन चले गए जहां पे इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी थे ये होता है ना कि इन्फॉर्मेशन गैदर करना जो एम्बेसी होती है आपको आ, मैं एक तरीके से इजीएस्ट वे में बताऊं तो एम्बेसी होती है ना अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों की एम्बेसी होती है इंडिया, इंडिया में अमेरिका के भी है लंदन की भी है इस तरीके से तो वो भी इन्होंने काम किया फॉरेन सर्विस थी यही 1951 में ए आई आर ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने काम किया एज अ जर्नलिस्ट ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि उस टाइम सिर्फ रेडियो हुआ करते थे ठीक है 1954 से लेकर 56 में यूनेस्को जो कि कल्चरल एडुकेशनल साइंटिफिक चीज़ों के रिगार्डिंग बात करता है उसके सेंटर को भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया पेरिस में इसका जहाँ हेड क्वार्टर है तो अब आप देखिए कि कहाँ से कहाँ तक ये गए ठीक है उसके बाद अराउंड 1956 अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी मेरी तरफ से सभी को हेलो जो लोग हेलो 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 लिख रहे हैं मेरी तरफ से सभी को अबे हेलो ठीक है 1956 अब जर्नलिस्ट भी ये बन गए लॉयर भी ये बन गए पब्लिक ऑफिसर भी बन गए इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी बन गए और रिप्रेजेंटेटिव भी बन गए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यूनेस्को में जाकर वो सर्व कर रहे हैं तो अब 1956 में जो इनकी एडिटोरियल यानी कि एडिटिंग का जो ऑप्शन है ना इनकी लाइफ में वो ओपन होता है यानी कि एडिटोरियल सर्विस करते हैं और बहुत जाने माने एक मैगजीन है दरअसल मैगजीन वो आज भी है योजना मैगजीन बहुत सारे आपने देखा होगा जो एसएससी के कैंडिडेट्स होते हैं यूपीएससी के कैंडिडेट्स होते हैं वो पहला ही ऑप्शन उसको रखते हैं तो योजना मैगजीन के ये फाउंडर थे ठीक है ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है बहुत ही जानी मानी मैगजीन है मुझे नहीं पता पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं बट प्रतियोगिता दर्पण हुई ये हुई दृष्टि हुई ठीक है तो इस तरीके की मैगज़ीन्स है तो ये वही मैगजीन है जो कि 1951 से लेकर 53 में गवर्नमेंट जर्नल था अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसे आप कह देते हैं ना कि भाई ये गवर्नमेंट की निकाली हुई चीज़ है ठीक है और इसमें क्या था योजना क्या होता है प्लानिंग कमीशन इस टाइम के आसपास आप देखेंगे तो पांच पांच साल का एम बनाया जा रहा था कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे ये हम सब पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं इंडिया के ग्रोथ के बारे में ठीक है तो ये प्लानिंग कमीशन ठीक है उसके रिगार्डिंग ये लिखी जाती थी और इसके ये फाउंडर थे अब आप सोचो इनकी क्या इंपॉर्टेंस रही होगी फाउंडर भी थे और एडिटर भी थे ये बहुत बड़ी बात है तो आप देख सकते हो डायरेक्ट पॉलिटिकल कनेक्शंस ठीक है डिप्लोमैट वही था वही पर्सन जिसको कि गवर्नमेंट बुला के अपॉइंट करती है तो ये मत भूलना इनके बारे में दो न्यूज़पेपर वैसे तीन है नाम भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ये आज भी चलते हैं ठीक है इनमें से दो तो चल ही रहे हैं पहला था द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया ठीक है ये जो है ना ये पूरे वीक की न्यूज देता था मतलब ऐसा कहा जाता है ये साप्ताहिक न्यूज पेपर था, था संडे टू संडे आता था आजकल जैसे इंप्लॉयमेंट न्यूज पेपर आता है ना कि एक वीक की वो खबर लेके आता है रोजगार समाचार पत्र ठीक है लॉकडाउन में तो खैर वो प्रिंटिंग बंद हो गई है ऑनलाइन तो ही है एक है द नेशनल हेराल्ड तो इसमें इन्होंने काम किया कॉलम्स आते थे इनके ठीक है तीसरा जो है वो है हिंदुस्तान टाइम्स ये मेरा फेवरेट न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश का हिंदी का नहीं ठीक है तो हिंदुस्तान टाइम्स ऐसा कहा जाता है कि इसमें जब ये एडिटर बने तो ये किसी की रेफरेंस पे मिले थे ये श्रीमती इंदिरा गांधी की रेफरेंस पे रिकमेंडेशन पर इनको यहाँ अपॉइंट किया गया था कि भाई फ़लाना इंसान को बुलाई है ये बहुत अच्छा लिखते हैं ठीक है तो न्यूज़पेपर की जिसे कहते हैं ना पॉपुलैरिटी बढ़ने लगे क्योंकि ये बहुत अच्छा लिखते थे लोग इनको पढ़ना पसंद करते थे हर तरीके का वर्क इन्होंने लिखा है इनके टाइम तक उर्दू भी थी ठीक है ना तो पंजाबी उर्दू और इंग्लिश तो अगर कोई इतनी भाषाओं को जानता है पंजाबी से ज़्यादा उस टाइम जो इम्पोर्टेंस थी ना इंडिया में वो उर्दू भाषा की हुआ करती थी ठीक है तो कॉलम आया करते थे और आपको ऐसी रेफरेंस मिलेगी कि जब इन्होंने न्यूज़पेपर से रिटायरमेंट लिया भाई एक सर्टेन एज ही तो होती है तो एक हफ्ते पहले जब इन्होंने डिक्लेयर किया ना दैट आई एम गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट विद इन अ वीक तो उसके बाद ये हुआ कि जो रेशियो था ना रीडर्स का दैट वॉज ऑलमोस्ट डिक्लाइंड ठीक है तो वो बढ़ने की बजाय वो इंक्रीज होने की बजाय दैट वॉज ऑलमोस्ट नील तो बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ था तो अब आप सोच सकते हैं कि बहुत बार क्या होता है कोई चैनल है कोई मैगजीन है कोई न्यूज़पेपर है किसी का कॉलम है तो वो इंसान के ना मतलब थॉट्स यानी कि नाम से वो चीज़ जानी जाती है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ठीक है तो ये तीन नाम दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो पूछ लेता है कि किस राइटर ने इनमें से किस न्यूज़ के साथ काम किया है क्योंकि ये चीज़ दी गई हैं और जो चीज़ दी गई हैं अगर वो भी नहीं पढ़ी तो फिर टारगेट वो आपको कर सकता है ठीक है वर्क इनके अभी डिस्कस करूंगी इसलिए थोड़ा सा वेट करें नेक्स्ट पॉइंट राज्यसभा के मेंबर अब दो तरीके की सभाएं होती है ठीक है राज्यसभा लोकसभा तो राज्यसभा तो क्या होता है अपर हाउस बोला जाता है काउंसिल्स ऑफ स्टेट तो अपर हाउस जिसे कि काउंसिल भी बोला जाता है स्टेट का मुझे नहीं पता कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं बट पॉलिटिक्स तो मेरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ करता है ठीक है तो ये 80 से लेकर 1980 से लेकर 86 तक यहाँ रहे इसके ऑनरेबल मेंबर रहे वैसे इसमें 12 सीट्स भी होती है ठीक है जिसमें कि क्या होता है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से अपॉइंट करते हैं लोगों को तो कभी एक्टर कभी क्रिकेटर कभी राइटर फील्ड है उनके लिए ठीक है कोटा है एक तरीके से ये एथीस्ट थे अब एथीस्ट हमने हाल फिलहाल कोई और राइटर भी पढ़े हैं जिनको कि गॉड की एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं है तो फाइनली ही वॉज द वन हु डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कि भाई मैं भगवान को नहीं मानता और आपको एक लाइन मिलेगी इन माई पर्सनलाइज रिलीजन यानी कि मेरा जो अपना रिलीजन है देयर इज नो गॉड ये जिस धर्म को मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ उसमें भगवान का कहीं भी जिक्र नहीं है ठीक है तो ये इनकी एक लाइन थी इजिली अवेलेबल है आपको मिल जाएगी ना मिले फिर भी कोई प्रॉब्लम आए क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ स्टेटमेंट ऐसी होती है जिनका इंटर कनेक्शन होता है तो प्लीज पोस्ट कर देना ठीक है कहां पोस्ट करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करेंगे ठीक है और ये एक चीज के बड़े अगेंस्ट थे ये आपको इनकी राइटिंग्स में मिलेगा ऑर्गेनाइज रिलीजन सेम ऐसा ही फ्रेज है यही आपको एज इट इज यही मिलेगा ऑर्गेनाइज क्या चीज होती है स्ट्रक्चर्ड जो एक सेट पैटर्न पे चलती है ठीक है तो इनका ऐसा मानना था कोई भी रिलीजन अगर किसी रूल को फॉलो करने को बोलता है या सर्टेन प्रैक्टिस को मानता है कि भाई हर संडे को आपको गुरुद्वारे जाना ही है ठीक है या हर सैटरडे को जाना ही है हर मंगलवार को जाना ही है टेंपल जाइए गुरुद्वारे जाइए मस्जिद जाइए जहां भी जाइए तो अगर कोई ऐसा कहता है ना कि गॉड को प्रेज करने का यही तरीका है कि भाई जब तक जाएंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं तो ये इस वाले रिलीजियस प्रैक्टिस के बड़े ही अगेंस्ट थे और इनकी एक बुक आई थी 2013 में अक्टूबर 13 में इनकी लास्ट बुक आई थी द गुड द बैड एंड द रेड ठीक है उसमें इन्होंने ऐसी चीजों को फिर से क्रिटिसाइज किया है तो अब आप समझिए कि ये रिलीजन के किस हद तक अगेंस्ट थे रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे दरअसल ऑर्गेनाइज रिलीजन के अगेंस्ट थे दोनों चीजों में फर्क है ठीक है इसीलिए वर्ड यूज कर दिया है एज इट इज की ऑर्गेनाइज की बात करते हैं लास्ट चीज इनके बारे में जो मुझे डिस्कस करनी है एपिटाफ ठीक है आपको ये मिल जाएगा बहुत सारे राइटर ना अपने लिए खुद के लिए ही एपिटाफ लिख के जाते हैं एपिटाफ का मतलब आप समझते होंगे अगर भूल गए हैं रीजन से तो मैं बता या पिटाफ का हूं मतलब होता है चंद कुछ लाइंस जो कि राइटर खुद लिखे ठीक है जरूरी नहीं है राइटर लिखे मतलब वो कहा जाता है कि भाई वो डेड पर्सन के लिए लिखी जाती है लेकिन हम लिटरेचर में ज्यादातर मतलब 80 परसेंट ऐसे राइटर्स ऑथर्स नॉवेलिस्ट जो भी आप कहें तो ऐसे लोग हैं जो खुद की ही डेथ के बारे में सोच के जाते हैं कि भाई जब मर जाएंगे तो हमारे टॉम्ब स्टोन पर हमारी इंफॉर्मेशन में ये चीज़ जरूर शामिल करवा देना ठीक है हमें ऐसी चीज़ें पता है वर्ड्सवर्थ ने भी ये लिखा है अपने बारे में तो डेड पर्सन के लिए कुछ लाइंस जो इन्होंने कही हैं ये मैं पढ़ देती हूँ और मैं बता दूँ ये आपको अवेलेबल है विकी पे ठीक है एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या लिखा इन्होंने हेयर लाइज वन हु स्पेयर्ड स्पेयर्ड का मतलब होता है आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर यू मैं आपको बख्शने के मूड में तो नहीं हूँ है ना तो तो लाइज वन हु स्पेड नीदर मैन नॉर गॉड यानी ये कह रहे हैं कि मैं एक वो इंसान हूं या यहाँ पे वो इंसान लाए करता है जिसने कभी ना भगवान को बख्शा ना इंसान को फिर सेकेंड लाइन है चार लाइन का इनका एपिटाफ वेस्ट नॉट योर टीयर्स ऑन हिम कि जो मर गया है उसके लिए आंसू बहाने एस ओडी आपको ऐसे मिलेगा सेकेंड लाइन में लास्ट वर्ड सॉर्ड इसका मतलब होता है कि डस्ट की बात कर रहे हैं ग्राउंड कि भैया वो कुछ नहीं था अब तो वो मर गया तो वो यहाँ लाए करता है राइटिंग नेस्टी थिंग्स मतलब क्या लिखता था रेडियो क्लस चीजें लिख ग्रेट फन तो जितना भी इन्होंने वर्क लिखा अपने वर्क के लिए ही कह के जा रहे हैं कि वो बेकार की चीज है थी मैंने तो मूड में नहीं लिखी वो चीज मजाक में समझता था थैंक द लॉर्ड शुक्र है भगवान का ही इज डेड दिस सन ऑफ अ गन अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है इन्होंने ना लास्ट में लिखा है सन ऑफ ए गन यानी कि बंदूक का बेटा तो अपने फादर को इन्होंने यहाँ पे प्रेज किया है ठीक है तो ये था इनका एक इंट्रोडक्शन मेरी तरफ से जो कि आपको ब्रिटानिका पे और विकीपीडिया पे मिल जाएगा तो आप नोट्स इसकी बना लेंगे क्योंकि इससे यह हेल्प होगी आपको कि बाद में आपको फ़ायदा मिलेगा कहीं सा भी बनाए मायने ये नहीं रखता नो no प्रॉब्लम कुलवीर जी ठीक है तो अब वर्क की बात करेंगे वर्क बहुत सारे वर्क इनके विकीपीडिया पे ऑलरेडी मेंशनड है मैंने आज एक लिंक शेयर किया है दो लिंक शेयर किए हैं एक उनका है आई शेल नॉट हियर द नाइट एंगल जिसके बारे में मैं अभी यहां बता दूंगी तो वो एक पेपर है दरअसल उसकी समरी भी है वैसे से मेरे पास मैं सेंड कर दूंगी लेकिन मिलेगा ये कहाँ सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप पर तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आपका फायदा होगा नहीं तो मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है तो वर्क्स सबसे पहला जो मास्टर है वो है इनका ट्रेन टू पाकिस्तान ठीक है क्योंकि लाहौर में बहुत अच्छा इन्होंने करियर का मतलब शुरुआत की प्रैक्टिस की एज अ लॉयर लाहौर को, कोर्ट में आठ साल और जो हदाली एक जगह है वो अब फिलहाल पाकिस्तान में है ठीक है तो ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 पार्टीशन ट्रॉमा को बताती है मास्टर पीस है जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको ये बात बता दूं विकिपीडिया में बहुत सारे ऐसे वर्क हैं इनके जिनके आगे ब्लैक कलर मतलब ब्लैक से लिखे हुए हैं क्लियर कट वो इन्फॉर्मेशन होती है हिंट है आपके लिए कि भाई उस पर कुछ भी अवेलेबल ऐसा नहीं है या तो आप पूरी की पूरी पी पढ़िए लेकिन जनरली आपको समरी भैया कुछ भी ऐसा ब्रीफ क्रिटिकल पॉइंट्स उसके बारे में नहीं मिलेंगे ये टाइम सबको पढ़ने का नहीं है ठीक है जितने भी ब्लू लाइन से वर्क लिखे गए हैं ट्राई टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर सो दैट यू विल गेट ए क्लियर हिंट कि भाई क्या क्या कहाँ से पूछा जा सकता है दूसरा यह है कि YouTube में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इंडिविजुअल इंडिविजुअल राइटर्स पर एमसीक्यू डिस्कस किए हुए हैं आप चाहें तो वहां से कर सकते हैं और भी अभी मुझे रिसेंटली किसी ने पूछा कि स, बुक सजेस्ट कर दीजिए बुक तो ऐसे मास्टर कैडर के लिए कोई पर्टिकुलर नहीं है ठीक है तो यही है कि आप इंडिविजुअली ना गूगल पे सर्च कीजिए एमसीयू क्वेश्चन ऑन खुशवंत सिंह एमसी क्यू क्वेश्चन ऑन मुल्क राज आनंद राजा राव मतलब जिस किसी को भी आप पढ़ना चाहें एम सी क्यू लगा के जो भी आपको वो देता है चार पांच एटलीस्ट यू विल गेट अ क्लियर आइडिया पार्टीशन नॉवल है क्योंकि पार्टीशन पे बेस्ड है ठीक है दूसरी बात हिस्ट्री से डील करती है तो हिस्टोरिकल नॉवल है क्योंकि ब्रिटिश राज के और जो इंडिया और पाकिस्तान बने उनके बीचों जो नेशनल बाउंड्री खींची गई इंटरनेशनल बाउंड्रीज ठीक है उनके बारे में बताता है तो दोनों चीजें ध्यान रखेंगे नेक्स्ट चीज इसमें एक देखो ये है मानो माजरा ठीक है ये एक विलेज है हालांकि इनका एक अलग से इसका वर्क भी है ये एक फिक्शनल टाउन है जिसके लोगों की कहानी इन्होंने बताई है ये इंपॉर्टेंट है रेड से आई थिंक मुझे माफ कर देना चाहिए ठीक है मानो माजरा हो सकता है ये पूछ ले कि ये किस में बताया गया है तो ये एक तरीके का फिक्शनल टाउन है ठीक है आपको याद होगा थॉमस हार्डिका भी वेसख्स करके एक फिक्शनल टाउन था ठीक है तो ये वैसा ही है प्लस एक और वर्क है इनका यही है मानो माजरा ये अलग से भी एक वर्क है ऐसा कहते हैं कि कुछ हद तक स्टोरी जो ये दिखाना चाहते थे यहां पे सारी नहीं दिखा पाए तो यहां इस वर्क में भी दिखाई है ये आप जब सर्च करोगे ना आपको बेस्ट तरीका मैं बताती हूं जब आप राइटर का नाम टाइप करते हो तो आपको वो देता है ना ऑल ऑप्शन देता है अगर कभी आपने नोट की हो तो ऑल फिर तो देगा इमेजेस फिर देगा बुक्स हमेशा बुक्स पे क्लिक किया कीजिए तो बुक्स में जब वो देगा ना तो बहुत बार ऐसा ही कवर पेज के साथ वो बुक्स देता है और ईयर नीचे लिखे आते हैं ठीक है मैंने आपको बता दिया है तरीका कि कैसे वो चीज़ करनी है आप नाम डालेंगे राइटर का आपको नीचे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ऑल इमेजेस बुक्स और फिर आते हैं वीडियोज़ तो वीडियोज़ करेंगे तो वो यूट्यूब वगैरह वो के जितने वीडियोज़ बने होंगे वो दिखाएगा इमेजेस में जो भी इमेजेस कभी इनकी ली गई होंगी वो दिखाएगा ऑल में हर तरीके की इंफॉर्मेशन दिखाता है, है किसी ने पेपर प्रेजेंट करे हैं किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुआ है कहीं कोर्स लगाया गया है कोई भी स्टोरी थी ठीक है या एमेजॉन पे कुछ बुक अवेलेबल है या फ्लिपकार्ट अवेलेबल है ठीक है लेकिन जो बुक्स होती हैं बुक्स को हमेशा विजिट किया कीजिए यह आपके लिए बेटर रहेगा ठीक है मैंने तरीका बता दिया है तो अब मानो माजरा ठीक है मानो ना मानो कुछ माजरा जरूर है यानी कि कोई ना कोई बात जरूर है कैसे इसको याद करेंगे हेलो दीप सरोए फोर ट्वेंटी अब मैं चार सौ बीस तो बोलना नहीं चाहती है ना मेरी तरफ से वेलकम है पीएसबी की प्लस टू में वी है ठीक है सुखदीप जी है तो ठीक है नेक्स्ट जो इनकी नॉवल आप करेंगे वो है दिल्ली थोड़ा जानेंगे दिल्ली के बारे में ठीक है पंजाब की हिस्ट्री तो पढ़ते ही है ना लेकिन थोड़ी सी दिल्ली के भी पढ़ेंगे क्यों क्योंकि इसको मैग्नम ऑपूज कहा जाता है मैग्नम क्या क्या है क्या है दरअसल इसको मास्टर बोला जाता है ठीक है क्या किया है सारा का सारा जो डिस्क्रिप्शन है ना एक तरीके से मैं बात करूं तो हिस्ट्री कैसे रिवॉल्व करती है क्योंकि बहुत ही लोग दिल्ली पे कब्जा करना चाहते थे ठीक है तो अगर 1911 में इसको राजधानी बना दिया गया क्योंकि इससे पहले कैलकटा थी ना कोलकाता तो उससे पहले भी क्या है दिल्ली आज जैसी दिल्ली है उसको बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं तो अलग अलग मुगल्स के बारे में मतलब क्या है जो स्टोरी है ना वो मूव ऑन करती है एक बार आपको दिल्ली की हिस्ट्री दिखाई जाएगी देन वो प्रेजेंट दिखाएंगे तो कुछ ऐसे फास्ट फॉरवर्ड तरीके से जैसे फ्लैशबैक कहते हैं ऐसी चीजें चलती हैं ठीक है थीके? और खुशवंत सिंह सर ने खुद ही कहा है कि इस नॉवल को लिखने के लिए उनको ट्वेंटी ईयर्स लग गए क्योंकि ये खुद भी दिल्ली में ही रहते थे ठीक है तो ये दिल्ली में ही इनका बहुत अच्छा हेरिटेज रहा है तो दिल्ली में ही ये रहते थे पॉलिटिशियन भी थे ना सांसद भी थे ना तो बीस साल इनको लग गए सिर्फ इस वर्क को लिखने में तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है अब ये किसको डेडिकेट की गई है अगर ये पता है तो मुझे बता दो ये वर्क दो लोगों को डेडिकेट किया गया है जो आज भी सरवाइव करते हैं हाँ पता है तो ना नहीं पता है तो दो कैरेक्टर हैं इसमें ये ये पढ़ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक है मिस्टर सिंह जो कि गाइड है ठीक है अब गाइड का काम क्या होता है कि लोगों को एक अननोन प्लेस से अवेयर कराना लेकिन इसमें जो नेक्स्ट कैरेक्टर है ना वो भागमती का कैरेक्टर है ठीक भाग है भागमती का कैरेक्टर है जैसे नाम में ही है ना भाग ठीक है रन वाली फीलिंग दे रहा है प्रॉब्लम ये है कि ये यूना के ठीक है इन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में ये बात करता है ठीक है पढ़ेंगे आपको स्टोरी समझ आ जाएगी नहीं पता गुलशन जी ने आंसर दिया है बिल्कुल सही कि इनके बेटे राहुल इनके बेटे राहुल के बारे में भी है और जो राहुल की वाइफ है उनके बारे में भी है ठीक है तो मैं आपको बता देती हूँ दोनों के नाम लिख देती हूँ तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई किसको डेडिकेट किया गया है क्योंकि कोई अगर वर्क डेडिकेट किया जाता है ये दिया नहीं था दरअसल साइट पे ना ये मैं इस बुक के बारे में रिगार्डिंग पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि ये जो वर्क है ये डेडिकेट किया है इन्होंने अपने बेटे को राहुल सिंह को और उनकी वाइफ है जब आप सर्च करेंगे ना उनकी वाइफ का नाम तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ठीक है ये है निलोफर एल ओ यू एफ ई आर ये नाम सर्च करते ही आगे का सरनेम वो दिखा रहा था बिल्ली मोरिया. ठीक तो है।, है, है तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं राहुल सिंह जो हैं खुशवंत सिंह के बेटे हैं तो नीलोफर बिल्ली मोरिया ये 2017-18 तक के भी इनके पोस्ट दिखाएगा आपको ऑनलाइन जब आप सर्च करेंगे तो ये दो लोगों को जो डेडिकेट किया गया है वर्क ये हैं ठीक है ठीके? अब हमेशा क्या होता है ज़रूरी नहीं होता कि इन्होंने जब ये वर्क लिखा तब ये आ ही गए हों ऐसा भी हो सकता है तब ये वाइफ ना होकर तब इनकी दोस्त हो तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे ठीक है ईयर 1983 और किसी ने मुझे ये कहा कि अभी जो 1984 में जो मैसाकर हुआ ठीक है कि 1984 में एक राइट राइट भी नहीं बोलेंगे उसको मतलब सिक्योरिटी गार्ड ने ही श्रीमती गांधी की हत्या कर दी थी ठीक है तो उसके चक्कर में क्या हुआ है ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे भी लोग उस चीज़ों को भी जोड़ कर देखते हैं तो मेरे से ज़्यादा पंजाब में आप रहे हैं चंडीगढ़ साइड रहे हैं बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में पता होगा कि किस तरीके से इंडियन आर्मी ने सीज कर लिया था उसको जिसे कहते हैं ना ओवरटेक एक तरीके से गोल्डन टेम्पल को ठीक है तो ये आपको मुझसे ज़्यादा भिंडर वाला केस पता होगा दीपक शर्मा जी कह रहे हैं ऑटोबायोग्राफिकल फिगर हाँ ऑटोबायोग्राफिकल फिगर बेस्ड ऑन ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज बट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल नहीं है मुझे कल भी किसी ने पता नहीं क्या पूछा था ऑटोबायोग्राफिकल फिगर्स और ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज ठीक है कि राइटर के लाइफ से के कुछ हिस्से को ले लिया गया बट जब आप किसी नावल को कह देते हो ना जैसे मुझे याद है कल ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल एक हमने डिस्कस की थी कि टैगोर की जो द होम एंड द वर्ल्ड है उसमें उसको कहा जाता है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कि निघल बिमला और संदीप ठीक है तो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल का मतलब है कि भाई नाइन्टी नाइन परसेंट ये ऑथर की या राइटर की जो बायोग्राफी है उसी का पार्ट है लेकिन जब रेफरेंसेस कही जाती है ना तो रेफरेंसेज ये है कुछ अंश है ठीक है तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखेंगे बाकी दीपक जी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है दीप रमन जी कह रहे हैं जीवन समृद्धि वो जीवन जीवान स्मृति है है ना बहुत सारी जगह समृद्धि लिखा हुआ है लेकिन वो क्या है स्मृति स्मृति मतलब मेमोरीज जीवन मतलब लाइफ तो लाइफ मेमोरीज बेस्ड ऑन समबडीज लाइफ है ना तो बहुत सारे लोग समृद्धि समृद्धि लिख रहे थे बट वो जो टैगोर की है ना वो जीवन स्मृति है स्मृति याद रखना यादें मेमोरीज तो वो चीज़ मैंने बता दी है चलो अब क्या करेंगे थर्ड वर्क फिर ओनली अवार्ड्स बस बाकी आप करेंगे कहाँ से करेंगे विकिपीडिया से ब्रिटानिका से और जो लिंक भेजा गया है वो भी नहीं दें दें बुक्स बुक्स पे क्लिक करेंगे वो आपको छह सात कॉलम देगा फिर एरो पे क्लिक करेंगे वो बहुत सारे वर्क को ओपन करके देगा वहां से बेस्ट है कवर पेज के साथ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन सी किताब का कैसा कवर पेज है वो भी पता चल जाएगा आई शेल नॉट हियर द नाइन टेंगल आई शेल नॉट हियर द नाइट एंगल कि भाई मुझे तो नहीं सुननी एक तरीके से या सुननी भी नहीं चाहिए ये नॉवल है ये क्यों इंपॉर्टेंट है रेड कलर दिखेगा नहीं प्रॉब्लम ही यही है क्योंकि ये हिस्टोरिकल नॉवल है 1959 में आई इसकी समरी मैंने ग्रुप पे शेयर कर दी है पेपर है दरअसल वो तो हिस्टोरिकल नॉवल कही जाती है ठीक है और सेटअप की बात करें तो पंजाब और अमृतसर ये आपको पता चल जाएगा तो मतलब अमृतसर का है ठीक है यानी कि पंजाब की सेटिंग है और एक चीज बारे में हाँ बूटा सिंह बूटा सिंह और शेर सिंह का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है ठीक है तो एक जगह पूछा गया था कि शेर सिंह इनमें से किस नोवेल में आता है उसमें दिल्ली का नाम भी दिया गया था इसका नाम भी दिया गया था तो मोस्टली लोग ना इसको पढ़ते नहीं है नॉवल है ये ठीक है तो यहां यहाँ पे 98 परसेंट लोग ये आंसर गलत करके आए थे जिस जिससे पूछा वो गलत करके आया था रीधा बिश्नोई जी मैं देती हूं ठीक है मैं देती हूं चिंता मत करो मोरल डाउन हो जाता है ना तो बीच बीच में वो क्या कहते हैं वो जैसे इंजेक्शन लगते हैं ना लोगों को वैसे देना पड़ता है ये पता है मुझे द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी लेडी कौन है ग्रैंड मदर ही है इनकी बट इनका पूरा नाम मतलब इस वर्क का जो पूरा नाम है वो है कलेक्टेड स्टोरीज ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पूछा गया था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी किसका वर्क है अगर आपने एनसीआरटी नहीं भी पढ़ी तो भी आपको पता होना चाहिए 2007 एक जो चीज जो आप ऑब्जर्व करेंगे ना इनकी बुक्स का नाम गॉड एंड द गॉड्स मैन ऑन इंडियंस ठीक है सिख और मतलब काफी इंटरेस्टिंग ऐसे नाम हैं कि आप एक दो बार अगर पढ़ेंगे ना वो आपको क्लियर हो जाएंगे वो आपको दो बार तीन बार आप रिवाइज करेंगे ना वो भी याद हो जाएंगे लास्ट बुक का नाम भी याद रखना है इनके द गुड ये विकिपीडिया में मेंशन में नहीं है ये विकिपीडिया में वर्क में स्पेसिफिकली अलग से मेंशन नहीं है ये कहाँ मेंशन है ये जहां इनके बारे में लाइफ या करियर के बारे में बताया जाता है ना वहां आपको पता चलेगा कि अक्टूबर टू में इनकी ये बुक आई थी द गुड द बैड एंड द रिडिकुलस ठीक है तो इस वर्ग का थोड़ा सा ध्यान रखना क्या किया है रिलीजन को क्रिटिसाइज किया है बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट ऑर्गेनाइज रिलीजन कि अगर आप कहते हो ना प्रीस्ट ये कहते हैं सेंट ये कहते हैं तो मैं नहीं मानता अवार्ड्स हाँ जी सुखदीप जी मौसम सिंह जी अच्छा बड़ी ही अजीब बात होती है जब कोई आई लव यू बोले या लव यू बोले ना सोशल प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज आपको नहीं पता कई बार लोग फ़ोटो कोई लगाते हैं नाम कोई और होता है तो चलो कोई बात नहीं अवार्ड्स को डिस्कस करेंगे रॉक फैलर ठीक है ये मुझे बता दो ये एक अवार्ड है जो मुझे डिस्कस करना है वो है पहले करेंगे पद्म भूषण है करेंगे और फिर क्या करेंगे फिर करेंगे पद्म विभूषण ये वाले जो अवार्ड हैं साहित्य अवार्ड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एज एन इंडियन हमारे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है अगर हमारे इंडियन राइटर्स को ये चीज मिलती है तो पहले मैं बता दूं सबसे ऊपर होता है भारत रत्न फिर होता है विभूषण ठीक है पद्म विभूषण फिर होता है पद्म भूषण और फिर होता है पद्मश्री ठीक है ये रैंक आपको एज एन इंडियन पता होना चाहिए चाहे आप अप्लाई करें या नहीं करें ठीक है विभूषण 2007 में ये बताओ रॉक फेलर नेक्स्ट क्या है पंजाब रत्न ये पता होगा वैसे पंजाब के जो राजा थे ना राजा रंजीत सिंह उनपे भी इन्होंने ये वर्क लिखा है एक वर्क इन्होंने उनपे लिखा है क्या है पंजाब रत्न अवार्ड आ गया होगा अब तक तो आंसर हाँ जी इश्मीत सिंह जी नेम्स इम्पोर्टेंट हैं है ना आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है जो वर्क पढ़ने हैं ना आपको वो दिल्ली है आई शेल हीयर आई शेल नॉट हीयर एंगल है ट्रेन टू पाकिस्तान है ठीक है और जो अभी लास्ट वर्क था द गुड बैड एंड द रेड्यू ठीक है तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी बाकी आप वर्क के नाम याद कर लीजिए वो काफ़ी हैं एक नेक्स्ट चीज़ साहित्य अकेडमी की तरफ से फेलोशिप मिली थी अब फेलोशिप क्या होता है कि कुछ चीज लिखने के लिए पैसा मिलता है बेसिकली क्या है ऑनर है ये तो अवार्ड नहीं है ये जैसे नेट से ऊपर एक रैंक होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप उसमें पढ़ाई के लिए पैसा मिलता है ठीक है तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे रॉक फेलर ग्रांट नाइनटीन सिक्सटी सिक्स पद्म भूषण का क्या आंसर दिया है दीप रमन जी कह रहे हैं आज पंजाब के बारे में खुशी हो रही है कि बोल रहे हैं अरे मेरे दिल दिल्ली के बारे में भी पढ़ लेना कभी फेलोशिप 2010 थाउजेंड टेन हाँ जी पहले फेलोशिप का लिख दूँ 2010 ठीक है अब पंजाब रत्न अवार्ड बताओ पंजाब रत्न अवार्ड फिर भूषण की बात करते हैं बताओ बताओ पंजाब रत्न अवार्ड है नहीं बताया 2006 ये मिला था 1974 में अब इसका थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ये ऑनर इनको मिला था पद्म भूषण ठीक है ये वाला जो कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया है और ये होता है सेकंड रब हो गया बताओ तो ये वाला जो अवार्ड था ये इन्होंने रिटर्न कर दिया था 1984 में और रिटर्न क्यों किया था क्योंकि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चल रहा था ये कह रहे थे कि अगर कोई आर्मी शूज़ लेकर ठीक है गुरुद्वारे में चली जाती है दरअसल आपको पता होगा ना वहाँ पे भी नाहन होता है ठीक है आप किसी भी गुरुद्वारे में जाएं तो जो वो सरोवर होता है उसका पानी बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है और ये है कि ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप सच्चे मन से उसमें स्नान करें तो अगर किसी को भी स्किन का कोई डिसीज़ है ना वो क्योर हो जाता है ठीक है कभी आप दिल्ली आए हो तो आपको पता है बंगला साहेब गुरुद्वारा है जिसके की बहुत मानता है बहुत ही खूबसूरत जगह जहां जाके सुकून मिलता है वाकई में इश्मीत सिंह जी कह रहे हैं लिख दूं या बोल दूं दीपक शर्मा जी कह रहे हैं लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड हां जी इनके नाम पे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी है और उसमें ये रीजन पता है सबसे पहला यही था मैंने आपको ये बताया ना न्यूज पेपर का के बहुत सारे रीडर्स ठीक है इनके आर्टिकल का नाम सुनकर एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर ये लिखा करते थे नाम सुनकर ही इनका अट्रैक्ट होते थे और इनके न्यूज़पेपर्स को या कॉलम्स को रीड किया करते थे तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी के नाम पे लिप का बुक ऑफ रिकॉर्ड ये दिया गया है ये जब आप हाँ विकीपीडिया पढ़ेंगे ना तो आपको ये एज इट इज वहां मिल जाएगा ठीक है लेकिन दीपक शर्मा जी ने जो कहा वो करेक्ट है बुक ऑफ रिकॉर्ड पेपर में ठीक है क्योंकि ये कैसी चीज़ें हो जाती हैं ये दरअसल थोड़ी अब टर्म नहीं यूज़ करूँगी मैं थोड़ा सा अलग हो जाता है हमारा क्या है हमें जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो लिटरली प्राइजेज पे ध्यान देनी है जिनका कि हमसे रिटर्न में नाता है ठीक है तो ये वाले जो ऑनरेबल अवार्ड्स हैं इनको करेंगे अच्छे से और नाम अगर बोल रहे हैं तो मैं बोल देती हूँ अब ठीक है नाम को कुछ वर्क हैं जो बाद में करेंगे अब मैं क्या करूँ सबसे पहले मैं भी खोलूँ क्या ओपन करूँ आरव भारत जी हो गया जो मेंबर थे ना राज्यसभा के अपर हाउस के जैसे काउंसिल्स ऑफ स्टेट भी कहा जाता है वो हमने डिस्कस कर लिया 80 से 86 तक ठीक है जर्नलिस्ट भी थे वो ऑल इंडिया रेडियो में वो भी डिस्कस कर लिया तो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं इश्मीत सिंह जी ये हो सकता है कि मैं इसका स्क्रीन क्योंकि फिर मैं ना ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं सारे पढ़ने से बेटर है यानी मैं लिख के सेंड कर दूं, ठीक है बट मैं सेंड कर दूंगी उस पर जैसे मैंने लास्ट जो हमारे राइटर थे रविंद्रनाथ टैगोर, बार्ड ऑफ बेंगोल उनपे भी सर्च किया ना, मतलब भेजा था, तो मैं ये भी भेज दूंगी ठीक है कोई हाँ जी, जी दीप रमन जी पिक भेज दूंगी नॉलेज कहती है कि सिर्फ दो राइटर मैसेज करके मत लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक। दो चीजें रह गई हैं एक है जॉनसन और ड्राइडन अगस्त सारी चीजें फिनिश हो गई हैं मेरी तरफ से मेरी तरफ से इन द सेंस हाँ कुछ वीडियोस पुरानी ऐसी हैं जिसमें क्या है कि लोगों को पता नहीं है पहले हम सात बजे के स्लॉट में मिलते थे नौ बजे मिलते थे ग्यारह बजे मिलते थे बारह बजे मिलते थे और कभी ऐसा हुआ है कि मैंने बिल्कुल एक्सट्रीम राइटर्स को किया है तो सिस्टम को फ्रेश करके या रिफ्रेश करके मिलती थी ये मुझे पता है तो एक आधी अगर चीजें हैं आपको ऐसा लगता है कि भाई ये ईयर नहीं था ये जो हमने डिस्कस किया क्योंकि जो पुराने लोग हैं ना उनको पता है कि हम साइड साइड बाय डिस्कशन ग्रुप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो अभी भी उनको कोई वीडियोस को देखता है और मुझे पता है कि अगर वो वीडियोज एक आधे साल और रही तो लोग फिर भी वही चीजें रिपीट करेंगे और पूछेंगे ठीक है क्योंकि वो पहले से नहीं जुड़े हुए थे तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी कि या तो ग्रुप पर सर्च कर लीजिए ठीक है नहीं तो फिर दोबारा पोस्ट कीजिए उन चीज़ों को ठीक यही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता है ना और टाइम वेस्ट नहीं करना वीडियो के बाद अगर आपको मतलब वीडियो से अगर नहीं पढ़ना आपको तो बेस्ट तरीका यही है सबसे सब पहले विकीपीडिया ओपन कीजिए वहाँ पे वर्क अवार्ड्स अर्ली लाइफ वगैरह सब दिया गया है तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपको लगती है टू द पॉइंट उसको डिस्कस कीजिए वैसे तो दो साइट्स को मैं प्रेफर करूंगी एक पहली विकीपीडिया है दूसरी है ब्रिटानिका क्योंकि दोनों में कई बार वेरिएशन देखे गए हैं ठीक है वेरिएशन इन द सेंस कि एक इन्फॉर्मेशन जो एक साइट पे होती है वो दूसरे पे अवेलेबल नहीं होती तो ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं तीसरी चीज़ इस टाइम आप किसी बुक को नई बुक को हाथ मत लगाना अगर आप लगाओगे अपने रिस्क पर तो फिर मैं कह रही हूँ कुछ ना कुछ ऐसा होगा दो या तीन दिन पहले कि दिमाग बोल जाएगा ठीक है वो वही बात होती है कि कुछ नर्व्स आपको ऐसा फील करवा देंगे कि भाई दिमाग में अब बहुत स्टोर हो गया इससे ज़्यादा हम स्टोर नहीं कर सकते फिर बैकग्राउंड में वो वाली फीलिंग आती है कि यार कर तो सब लिया बट एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं होती कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ तो ट्राई टू अवॉइड सच अ ट्रामा ठीक है वो आप ही के हाथ में है मुझे पता है कहने से कुछ नहीं होता फिर भी लोग रिपीट करेंगे मैंने बहुत बार एक और चीज़ कही है कि अगर आपको जब आप सर्च इंजन पर टाइप करते हो अगर इनिशियल 50 परसेंट टाइप करने के बाद उस वर्क का नाम वो आपको लिस्ट में शो कर देता है यानी कि उस पर मटेरियल अवेलेबल है अगर पूरा लिखने के बाद भी वो आपको ऐसा सोर्स दे रहा है ना जैसे गुटन वर्क साइट्स हो गई क्योंकि वो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है ग्रेड सेवर हो गया ग्रेड सेवर पे भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कई बार नहीं होती तो अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यानी कि सोर्स अवेलेबल नहीं है तो जो अवेलेबल है उसी को पढ़ें अच्छे से पढ़ें कहीं ऐसा ना हो कि इसको भी हाथ लगा दिया उसको भी हाथ लगा दिया लेकिन कोई भी राइटर कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ थोड़ा पढ़िए पर अच्छे से पढ़िए ठीक है और क्या कहना था बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब पर भी चार पांच चार पांच वीडियोस हर राइटर पे डली हुई हैं कोशिश ये कीजिए कि एक दिन में इस टाइम दो दो राइटर्स को तीन दिन राइटर्स को आप रिवाइज कर लें ठीक है फिर भी कोई डाउट आता है तो आप डिस्कशन ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं ट्राई नॉट टू मैंशन मी क्योंकि कई बार फिर लोग ना रिप्लाई नहीं करते हैं। आप लोग ये लिख देते हो कि मैम इस क्वेश्चन को देख बताइए तो लोग ना फिर रिप्लाई नहीं करते वो ये कहते हैं कि मैम से पूछा है तो मे बी शी इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्ड मैं छः घंटे सात घंटे अगर बिजी हूँ मैं ये देखती हूँ कई बार लोग रिस्पॉन्स देते हैं और कई बार नहीं देते तो मेरा नाम स्पेसिफिकली मैंशन मत किया करो मेरा ग्रुप है मैं कर दूंगी मैं कर दूँगी ठीक है जो भी अवेलेबल होगा वो भी कर देगा और नेक्स्ट चीज़ मैं क्या डिस्कस करूँ नहीं और मुझे कुछ नहीं डिस्कस करना ठीक है अब कल मिलते हैं कल फिर बेन जॉनसन और ड्राइडन के सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करूंगी संडे ऑफ ठीक है फिर मुझे एक दिन का ऑफ और चाहिए तो आई विल नॉट बी हेयर ऑन मंडे आल्सो फिर स्टार्ट करेंगे लिंग्विस्टिक के टॉपिक्स ठीक है तो ट्यूसडे ट्यूसडे हम करेंगे लिंग्विस्टिक्स ठीक है फिनिश ऑलमोस्ट हाँ एक चीज रह गई अभी रिसेंटली मैंने क्या देखा ये ग्रुप है उस पर ए करके कोई मतलब मैं नाम तो नहीं लूंगी डैश ट्यूटोरियल्स तो वो क्या करते हैं वो स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं लोगों के और काफी लोग ये कहते हैं कि ये भाई क्या करें हम इन्हें स्क्रीन का ठीक है तो दैट इज़ मार्केटिंग ए स्ट्रैटेजी मैं ये नहीं कह रही हूँ आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद एनी वन अगर मुझे प्रॉब्लम होती तो मैं इतना मटेरियल या जो भी मैं पढ़ा रही हूँ मैं ऐसे नहीं करती ठीक है एक एक इंसान को जोड़ा है मैंने बहुत मेहनत लगी है उसमें जबकि मैं बोल चुकी हूँ मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ और मेरी श्योरिटी भी नहीं है कि वेदर आई विल बी हेयर आफ्टर वन ईयर और नॉट ठीक है तो इतना लगाव मैं इन चीज़ों ने नहीं रखती ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी ट्राई नॉट टू डिवोट योर टाइम राइट नाउ ऑन सोशल मीडिया कि भाई आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं फेसबुक यूज़ करते हैं पाँच मिनट निकाल लिए दस मिनट लगा लिए आप इस टाइम करोगे ना तो ये चीज़ माइंड को डाइवर्ट करती हैं ठीक है थोड़ा सा इन चीज़ों से इस टाइम एटलीस्ट बीस पच्चीस दिन पहले थोड़ा सा ट्राई टू मैंटेन सम डिस्टेंस ठीक है तो वो लोग स्क्रीन वगैरह शेयर करते हैं अब आपको नहीं पता ऐसा भी तो हो सकता है वो मैसेज उन्होंने खुद का ही सेव किया हो और ख़ुद का ही सेंड किया हो ठीक है तो इन ऐसी चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है ना उनसे ये कहने की ज़रूरत है किसी से कि भाई हमें भी भेज दो आपको लगता है जो इंसान पे कर रहा होगा किसी पी को या किसी आंसर की के लिए तो वो आपको भेजेगा तो फिर ऐसी चीज़ों में टाइम नहीं वेस्ट करना ठीक है बाकी आप सब कुछ समझदार हैं बहुत बार मैं देखती हूँ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे होते हैं तो फ्रॉम माई साइड इट इज़ टाइम टू गो ऑफलाइन खुश रहिए और कर लेंगे यार इतना कुछ मुश्किल नहीं है अभी तक भी तो किया है ना अभी दस दस एम सी यूज कर रहे थे ना तीस तीस कर दूंगी और अच्छे वाले होंगे कि जो वर्क आपने नहीं पढ़े होंगे लेकिन उसका रीजन पता है क्या होता है जस्ट टू गिव यू इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं ना फेंक के देना ठीक है अब कैच कर लिया तो समझ आ गया नहीं तो फिर क्लीन बोल्ड है ठीक है तो कल करेंगे बेन जॉनसन एंड रैडन बेन जॉनसन लाइन देन राइडन फिर फिनिश फिर दो दिन छुट्टी लिंग्विस्टिक्स